और बिहार के गया में नक्सलियों ने पोस्टर चिपकाकर बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी से सवाल पूछे हैं। सवाल पूछा गया है कि इमामगंज थाना क्षेत्र के गुरिया बाजार में भाकपा माओवादियों ने पोस्टर और बैनर लगाकर मांझी को घेरा है। पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी के इलाके में ही नक्सलियों ने उनसे कई सारे सवाल पूछे हैं। पोस्टर लगाए जाने की सूचना पर मौके पर पहुंची पुलिस ने बैनर और पोस्टर को जब्त कर लिया है और थाने लेकर गई है। माओवादियों ने जीतन राम मांझी से पूछा है कि वो महादलित जाति से आते हैं, लेकिन उनका चरित्र सामंती पूंजीवादी में क्यों बदल गया है। साथ ही उन्होंने पूछा है कि बीजेपी, आरएसएस, विश्व हिंदू परिषद, बजरंग दल, शिवसेना, पूरे देश में दलित, महादलित और अल्पसंख्यक वर्गों पर लगातार हमला किया जा रहा है, बावजूद इसका विरोध नहीं कर उनका समर्थन करना आपकी कौन सी नैतिकता है। फिलहाल पुलिस पूरे मामले की छानबीन में जुटी हुई है और आपको बता दें कि इमामगंज का इलाका नक्सल बाहुल्य है। बाजार में नक्सलियों की इस कार्रवाई के बाद हड़कंप मच गया है। जीतन राम मांझी गया जिले से ही आते हैं और वो इसी क्षेत्र यानी कि इमामगंज विधानसभा क्षेत्र का प्रतिनिधित्व भी करते हैं। वहीं पोस्टर लगाए जाने की सूचना पर मौके पर पहुंची पुलिस ने बैनर और पोस्टर को जब्त कर लिया है और थाने लेकर गई है। फिलहाल पुलिस पूरे मामले की छानबीन में जुटी हुई है।